शुरुआत करते हैं अपने विश्व में हमारा स्थान क्या है ये जानते हैं। जब भी हम स्थान की बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में आता है अपना पता। हम कभी भी अपना पता बताते वक्त हम जहाँ पे रहते हैं उस सोसाइटी का, उस जगह का नाम, फिर उसकी लोकेलिटी का नाम, फिर उस वो जगह जिस तालुका में है, डिस्ट्रिक्ट में है, वो देन स्टेट, और उसके बाद कंट्री का नाम, जैसे लिखते हैं। अब ये तो हुआ अपना लोकल एड्रेस या पोस्टल एड्रेस। अगर हमें विश्व में अपना पता जानना है तो हम कैसे लिखेंगे, आइए देखते हैं हमारे विश्व में हमारा स्थान क्या है, हमारा वैश्विक पता क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं उस जगह से जहां से हम ये एस्ट्रोनॉमी कैंप अलग कर रहे हैं। उस जगह का नाम है आयुका और इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। आयुका एक अनुसंधान केंद्र है जहाँ पे खगोल शास्त्र और खगोल भौतिकी का रिसर्च जारी रहता है। आयुका स्थित है पुणे डिस्ट्रिक्ट में। पुणे डिस्ट्रिक्ट अगर हम देखें तो फ्रॉम इट्स ईस्ट कॉर्नर टू वेस्ट कॉर्नर, पूरब से पश्चिम की एज तक पुणे डिस्ट्रिक्ट की लंबाई है तकरीबन 200 किलोमीटर। किलोमीटर ये एक अंतर नापने का या दूरी नापने का एकक है। एक किलोमीटर बनता है 1000 मीटर से और एक मीटर बनता है 100 सेंटीमीटर से। तो तकरीबन ये डिस्टेंस जो है वो एक मीटर का है जिसमें 100 सेंटीमीटर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, मेरे पास ये स्केल है जिसकी लंबाई है 30 सेंटीमीटर, तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं यहाँ से दूरी नापूं तो लगभग इस कोने तक, इस एज तक अगर हम देखें ये 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी जो है वो 1 मीटर है और ऐसे 1000 मीटर जोड़ के बनता है 1 किलोमीटर। तो पुणे का ईस्ट टू वेस्ट एज तक अगर हम डिस्टेंस देखें तो वो तकरीबन 200 किलोमीटर इतना है। पुणे स्थित है महाराष्ट्र राज्य में। महाराष्ट्र राज्य अगर हम देखें तो ईस्ट टू वेस्ट या पूरब से पश्चिम तक महाराष्ट्र राज्य की लंबाई जो है वो करीब करीब 920 किलोमीटर है। यस, 920 किलोमीटर। महाराष्ट्र राज्य जो है वो भारत देश में स्थित है। भारत देश को अगर हम पूरब से पश्चिम तक देखें तो उसकी लंबाई करीब करीब 3200 किलोमीटर इतनी है। जी हाँ, भारत की पूरब से पश्चिम तक लंबाई है 3200 किलोमीटर। भारत देश स्थित है आशिया खंड में। आशिया खंड के बारे में अगर हम जाने तो अपनी धरती पर आशिया खंड का ईस्ट टू वेस्ट अगर हम नाप लें तो वो आता है करीब करीब 11000 किलोमीटर। जी, अपनी धरती अगर हम देखें उसका डायमीटर या व्यास हम जिसे बोलते हैं वो लगभग 12740 किलोमीटर इतना है और उसका अगर हम सर्कमफेरेंस लें तो सर्कमफेरेंस आता है तकरीबन 40000 किलोमीटर। और 40000 किलोमीटर के सर्कमफेरेंस पे लगभग 11000 किलोमीटर चौड़ा अपना आशिया खंड है। तो ये तो हुआ अपना धरती पर एड्रेस या धरती पर पता। हमने शुरू किया आयुका से जो स्थित है पुणे में। पुणे का ईस्ट टू वेस्ट डिस्टेंस लगभग 200 किलोमीटर है जो स्थित है महाराष्ट्र स्टेट में, जिसका ईस्ट टू वेस्ट डिस्टेंस लगभग 920 किलोमीटर है। महाराष्ट्र स्टेट जो है वो भारत देश में है, जिसका पूरब से पश्चिम तक का डिस्टेंस है
3200 किलोमीटर और भारत देश स्थित है आशिया खंड में, जिसका पूरब से पश्चिम तक डिस्टेंस है 11000 किलोमीटर। आशिया खंड धरती पर 7 खंडों में से एक है। अब अपनी धरती कहाँ है? लोकल एड्रेस तो हमने जान लिया, अब हमें जानना है विश्व में अपना पता क्या है। अगर हम देखें तो अपनी धरती सौर मंडल का एक ग्रह है। सौर मंडल मतलब अपना सूरज और सूरज के साथ साथ सूरज के चारों ओर घूमने वाली कई सारी खगोलीय वस्तुएं। इनमें 8 ग्रह हैं। इन 8 ग्रहों में से तीसरा ग्रह है, तीसरे स्थान पर जो ग्रह है वो है हमारी पृथ्वी, जिस पे हम रहते हैं। अगर हम सूरज के केंद्र से अपनी धरती के केंद्र तक का अंतर जानना चाहें तो वो है तकरीबन 15 करोड़ किलोमीटर। जी हाँ, द डिस्टेंस बिटवीन आर सन एंड द अर्थ इज 150 मिलियन किलोमीटर, 15 करोड़ किलोमीटर। अब यहां से हम जा रहे हैं विश्व की सतह के ऊपर, यहां से डिस्टेंसेस बढ़ते जाएंगे, जब हमें ये लाख और करोड़ में गिनना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे एस्ट्रोनॉमर्स यूज करते हैं एक दूसरा यूनिट या फिर एकक, जिसे हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। धरती और सूरज के बीच में जो डिस्टेंस है, अंतर है 150 मिलियन किलोमीटर का, उसे एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या एक खगोलीय एकक भी कहा जाता है। विश्व में सबसे गतिमान जो चीज है वो है प्रकाश। प्रकाश जो है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड इस वेग से, इस गति से ट्रेवल करता है। और प्रकाश को अपने सूरज से निकलने के बाद धरती तक पहुंचने के लिए लगभग 8 मिनट लगते हैं। जी हाँ, जो विश्व की सबसे फास्टेस्ट या तेज चीज है उसे अपने सूरज से लेकर धरती तक आने के लिए 8 मिनट लगते हैं। यहाँ पे हम सीख रहे हैं एक तीसरे एकक के बारे में। जब हम खगोल शास्त्र में अंतर या दूरियां नापते हैं तो लाइट ईयर नाम का जो एकक है वो बहुत इस्तेमाल किया जाता है। लाइट ईयर का मतलब है प्रकाश एक साल में जितना अंतर काटता है वो अंतर। लाइट ईयर या प्रकाश वर्ष ये दूरी नापने का एकक है। सूरज और धरती के बीच 8 प्रकाश मिनट की दूरी है। इसका मतलब सूरज से निकला हुआ प्रकाश हम तक पहुंचने में 8 मिनट लग जाते हैं। क्या हमारा सूरज इकलौता तारा है, सबसे बड़ा तारा है? जी नहीं, हमारा सूरज कई सारे तारों में से एक है और हमारा सूरज एक साधारण तारा है। हमारा सूरज जहां रहता है उसे हम बोलते हैं गैलेक्सी। गैलेक्सी मतलब दीर्घिका, और हमारी दीर्घिका में सूरज की तरह सूरज से कई गुना बड़े कुछ छोटे, ऐसे तकरीबन 300 अब्ज तारे हैं। जी हाँ, हमारी गैलेक्सी में हमारी दीर्घिका जिसका नाम आकाशगंगा है उसमें 300 अब्ज तारे 300 बिलियन स्टार्स हैं। इन तारों में से एक साधारण आकार का तारा है हमारा सूरज, और इस सूरज के चारों ओर 8 ग्रह घूम रहे हैं जिनमें से एक है हमारी पृथ्वी। अब हमारा सौर मंडल जो है या हमारा सूरज जो है वो दीर्घिका के केंद्र में नहीं है। हमारी गैलेक्सी जो है उसके केंद्र से अपने सूरज तक आते आते प्रकाश को
तकरीबन 27,000 साल लग जाते हैं और हमारी आकाशगंगा गैलेक्सी जो है उसका डायमीटर एक एज से लेके दूसरी एज तक उसका अंतर जो है वो कम से कम 1,00,000 प्रकाश वर्ष है। जी 1,00,000 प्रकाश वर्ष। इसको अगर हम किलोमीटर में बोलना चाहें तो 10^18 किलोमीटर, मतलब 1 के आगे 18 शून्य लगा दे, वो संख्या जो आएगी वो है हमारी आकाशगंगा का डायमीटर या व्यास। तो क्या हमारी आकाशगंगा जिसमें 300 अब्ज तारे हैं इसी से विश्व बनता है? जी नहीं, हमारी गैलेक्सी की तरह और कई सारी गैलेक्सीज हमारे विश्व में मौजूद है। हमारी आकाशगंगा का जो नेबरहुड है या नजदीकी ऑब्जेक्ट्स है वो अगर हम देखें तो हमारी आकाशगंगा स्थित है लोकल ग्रुप में। आकाशगंगा जिस ग्रुप में, ग्रुप मतलब जी हाँ दीर्घिकाओं का भी ग्रुप रहता है या गैलेक्सीज भी एक ग्रुप तैयार करते हैं, तो इस ग्रुप का नाम है लोकल ग्रुप जो कि भाग है वर्गो सुपर क्लस्टर या वर्गो महासमूह का। वर्गो महासमूह ये एक ऐसा महासमूह है जिसमें हजारों दीर्घिकाएं मौजूद है, हजारों गैलेक्सीज मौजूद है जिनमें से एक हमारी आकाशगंगा है। हमारी आकाशगंगा की तरह हमारी नेबरहुड गैलेक्सीज में भी अब्जो तारे हैं। वर्गो सुपर क्लस्टर या वर्गो महासमूह जो है जिसमें हजारों दीर्घिकाएं मौजूद है वो भी भाग है एक और बड़े महासमूह का। जी हाँ, वर्गो सुपर क्लस्टर भाग है लेनियाकिया नाम के एक महासमूह का। लेनियाकिया इसे हम हमारा लोकल सुपर क्लस्टर भी बोलते हैं क्योंकि हमारा लोकेशन, हमारी आकाशगंगा का लोकेशन जो है यूनिवर्स में वो लेनियाकिया इस सुपर क्लस्टर में है। लेनियाकिया में 10,000 से भी ज्यादा गैलेक्सीज है और इनमें से हजारों गैलेक्सीज का मिलके बनता है वर्गो सुपर क्लस्टर। ऐसे कई सारे सुपर क्लस्टर्स मिलके बनता है लेनियाकिया सुपर क्लस्टर और यही हमारा विश्व सीमित नहीं है। लेनियाकिया की तरह कई सारे सुपर क्लस्टर्स जो कई हजारों दीर्घिकाओं से बने हैं ये सब मिलके बनता है हमारा विश्व, हमारा यूनिवर्स। जब हम विश्व के बारे में बोलते हैं, हमें जहां तक पता है हमारे विश्व का एक एज से लेके दूसरे एज तक डिस्टेंस या डायमीटर बोल सकते हैं वो है 10^27 किलोमीटर। जी हाँ, 1 के सामने 27 शून्य लगा दो तो जो संख्या आएगी वो है हमारे विश्व का एक कोने से लेके दूसरे कोने तक का अंतर। अब हम वापस अपने घर की ओर चलते हैं या फिर उस जगह की ओर चलते हैं जहां से हमने शुरुआत की। हमारे विश्व का एक कोने से लेके दूसरे कोने तक का अंतर है 10^27 किलोमीटर या 93 अब्ज प्रकाश वर्ष। हम वापस जाएंगे उसी जगह तक जहां से हमने अपनी जर्नी शुरू की थी। हमारे यूनिवर्स का एक छोटा सा हिस्सा है लेनियाकिया सुपर क्लस्टर, लेनियाकिया महासमूह, जिसका एक कोने से लेके दूसरे कोने तक अंतर है तकरीबन 5,000,000 प्रकाश वर्ष। यस, 500 मिलियन लाइट ईयर्स। प्रकाश को इसके एक कोने से दूसरे कोने तक जाने के लिए 5,000,000,000 साल लगते हैं। लेनियाकिया सुपर क्लस्टर का एक छोटा सा हिस्सा है अपना वर्गो सुपर क्लस्टर। हमारे वर्गो सुपर क्लस्टर की एक कोने से दूसरे कोने तक की दूरी है 1,100,000,000 प्रकाश वर्ष।
वर्गो सुपर क्लस्टर में जो हजारों दीर्घिकाएं हैं, हजारों गैलेक्सीज हैं, उनमें से एक गैलेक्सी है हमारी आकाशगंगा, जिसे हम मिल्की वे, मंदाकिनी भी बोलते हैं। हमारी आकाशगंगा का डायमीटर है 1,00,000 प्रकाश वर्ष, मतलब 10^18 किलोमीटर। हमारी आकाशगंगा में 300 अब्ज तारे हैं और इन 300 अब्ज तारों में से एक साधारण सा तारा है अपना सूरज, जो हमारी गैलेक्सी के सेंटर से 27,000 प्रकाश वर्ष दूरी पर है। इस सूरज के चारों ओर कई सारी वस्तुएं घूम रही हैं, जिनमें 8 ग्रह हैं। उनमें से तीसरे स्थान पे है हमारा ग्रह पृथ्वी। पृथ्वी और सूरज के बीच में जो दूरी है वो है तकरीबन 150 मिलियन किलोमीटर, मतलब 15 करोड़ किलोमीटर या 8 प्रकाश मिनट। इसे हम एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी बोलते हैं या एक खगोलीय एकक। पृथ्वी जो है उसका व्यास या डायमीटर वो तकरीबन 12,742 किलोमीटर है। और इतनी बड़ी पृथ्वी पर 7 कॉन्टिनेंट्स में से एक कॉन्टिनेंट है हमारा एशिया। एशिया में स्थित है भारत, भारत में स्थित है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में स्थित है पुणे डिस्ट्रिक्ट और पुणे में स्थित है आयुका, जहां से हमने अपनी जर्नी की शुरुआत की। हमें आशा है कि हमारा विश्व में स्थान जानकर आप सबको बहुत ही आश्चर्य हुआ होगा, विश्व कितना बड़ा है ये पता चला होगा। इसी के साथ इतने बड़े विश्व में हम कितने छोटे हैं, हम कहाँ हैं, ये भी पता चला होगा। हमें आशा है कि आप सब ने इस वीडियो का, इस जानकारी का आनंद उठाया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी सवाल आपके मन में है तो कृपया हमें कमेंट बॉक्स में वो सवाल पूछिए, हम उसके जवाब जरूर